हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस, आज हम लोग कुछ अलग वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, मतलब कि हम एक अनऑर्थोडॉक्स वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्चुअली में जो हम यूजुअली करते हैं, आप लोग को पीसी बिल्ड के लिए क्या लेना चाहिए, पीसी बिल्ड कहां से कराना चाहिए, या फिर पीसी टेक इंडस्ट्री की जितनी भी न्यूज है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। बट आज हम लोग कुछ एक ऐसा बजट पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स आपको एक्चुअली में मार्केट में एक अच्छी इमेज नहीं रखते। मतलब कि जब एएमडी के अभी नए प्रोसेसर्स और ग्राफिक कार्ड्स जो थे वो लॉन्च हुए थे तो उसमें कुछ खास उनकी मार्केट रेपुटेशन नहीं थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इन प्रोसेसर्स और ग्राफिक कार्ड को टेस्ट करें, आपस में पेयर करें, ताकि आप लोगों तक एक एक्चुअल फिगर पहुंच पाए कि व्हाट इज एक्चुअली साइड दीज प्रोसेसर्स एंड ग्राफिक कार्ड्स। अगर आप एक गेमर भी हैं, आप एक एडिटर भी हैं, अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो क्या आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो कि नहीं। तो यहां पर हम जो यूज करने वाले हैं प्रोसेसर जो होगा वो एएमडी की रिन्यूड सीरीज में से एक राइजन 3 4100 प्रोसेसर होगा, जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आने वाला बहुत ही एंट्री लेवल प्रोसेसर है। हालांकि इसमें 2 टाइप की पैकेजिंग आती है, एक ओईएम है और एक पूरा बॉक्स पैक्ड आता है। ओईएम में सिर्फ प्रोसेसर आता है और जो बॉक्स पैकिंग के साथ आता है उसमें आपको प्रॉपर बॉक्स के साथ आपको एक एयर कूलर भी, जो इनका स्टॉक कूलर होता है, वो भी देखने को मिलेगा। इसको हम लोग पेयर करने वाले हैं एएमडी के ही लेटेस्ट लॉन्च आरएक्स 6400 ग्राफिक कार्ड के साथ। तो एएमडी का 4GB का एक ग्राफिक कार्ड है और इसकी काफी अच्छी खासी उड़ाई गई है रिसेंट टाइम्स में। ये एक नया ग्राफिक कार्ड है, एएमडी की आरडीएनए 2 आर्किटेक्चर, लेटेस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। बट ये स्ट्रीमर्स की किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर एनकोडिंग नहीं है, आप एक्चुअली में स्ट्रीम नहीं कर सकते। जब एनकोडिंग नहीं है तो कुछ हद तक एडिटर्स भी कहीं ना कहीं इससे स्ट्रगल कर सकते हैं। और जो मेजर चीज है, इसकी प्राइसिंग अराउंड 15-16 हज़ार की रेंज में आने वाला एक ऐसे लेवल का ग्राफिक कार्ड, मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती ऐसे कार्ड की। तो क्यों ना हम इन दोनों को ही आपस में पेयर करें, द मिसफॉर्चुनेट वंस। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल को इनफैक्ट पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। हम लोग ऐसे ही पीसी टेक इंडस्ट्री रिलेटेड बढ़िया से बढ़िया वीडियोस बनाते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारा एक छोटा सा लाइक एम रहता है गाइस वीडियो में, उसको पूरा करना हमारी मदद करे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट अगर हम एक बजट पीसी बिल्ड करते हैं तो क्या ये चीजें आपस में पेयर करके हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम पीसी बिल्ड के लिए यूज करने वाले हैं गीगाबाइट का B550 MDS3H मदरबोर्ड, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है PCIe Gen 4 कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो यहां पर अगर आप एक RX 6400 लगा रहे हो तो उसकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो आपको PCIe Gen 4 कनेक्टिविटी के साथ ही मिलेगी। PCIe Gen 3 में तो जितनी भी इसकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंसेज हैं उससे भी घटिया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम 16GB रैम के साथ जा रहे हैं, 8 GB की दो स्टिक्स हैं और 550 वाट की हमें एक नॉर्मल सी पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं। स्टोरेज के लिए हम लोग 250GB NVMe SSD यूज करेंगे सैमसंग की। इसके अलावा हम कूलिंग के लिए एक नॉर्मल जो पैकेजिंग के साथ स्टॉक कूलर आता है AMD का, वही हम यूज करने वाले हैं। कैबिनेट के लिए हम लोग कूलर मास्टर की CMB510 कैबिनेट यूज कर रहे हैं टू कीप इट ऑल RGB एंड कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। पूरा एक दिन तक हम लोगों ने इस पीसी को टेस्ट किया और बेंचमार्क्स तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, दे आर नॉट बैड। फॉर अ पीसी फॉर अराउंड 45 टू 50,000 रुपीज ऐसे रिजल्ट्स बुरे नहीं है।
अगर आपको गेमिंग में 50-60 FPS से ऊपर देखने को मिल रहा है, सिर्फ गेमिंग में, मैं मानता हूं कि आप इसमें स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, स्ट्रीमिंग का ऑप्शन ही नहीं है, बट अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं तो आपके लिए 50-60 FPS इज मोर देन इनफ। एंड फॉर गेम्स लाइक Far Cry 6, 50 FPS से ऊपर अगर कोई भी ग्राफिक कार्ड निकाल के दे रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़े पुरानी गेम्स के शौकीन होते हैं, जैसे Shadow of the Tomb Raider या GTA 5, वो उनका एक गिल्टी प्लेजर होता है कि जब भी कुछ परेशानी हो, कुछ भी हो, वो गेम्स खेल के उनको बहुत मजा सा आ जाता है। तो GTA 5 जैसी गेम्स में भी वेरी हाई सेटिंग्स में एट 1080p उनको मोर देन 100 FPS देखने को मिलेगा विद दिस सेटअप। एक बात मैं जरूर कन्वे करूंगा, देखो अगर आप एक ऐसा ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, बिल्कुल मतलब बेसिक सा ग्राफिक कार्ड है ये, ठीक है, 14,000-15,000-16,000 रुपए ग्राफिक कार्ड के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो अगर कोई पावर कलर वाला बंदा या कोई AMD वाला इस वीडियो को देखे, तो यार एक 15,000 रुपए खर्च करने वाला बंदा ऐसा इस शेप का, इस साइज का, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा, नन्नी सी जान है बेचारा ये, तो आप ऐसा कार्ड के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले बंदा 10-15 बार सोचता है, थोड़ा सा यार बल्कि बनाओ कार्ड को। मतलब ठीक है के परफॉर्मेंसेस जैसे भी जो कुछ भी है वो सेकेंडरी इश्यूज हैं, इफ समवन रिलेटेड टू दिस इज लुकिंग, जरूर आप लोग को काम करना चाहिए थोड़ा सा बल्कि। मुझे पता है 6400 में बल्कि मॉडल्स भी आते हैं, ये मेरे पास ये वाला मॉडल है, बट अगर ये वाला भी है तो आई वुड नॉट प्रेफर बाइंग दिस मॉडल। 6400 इज अ गुड ग्राफिक कार्ड, बट थोड़ा सा बल्कि और बने तब फायदा। बात आती है प्रोफेशनल्स की, मतलब कि जो लोग इनको वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, जो प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, फोटोशॉप यूज करते हैं, या फिर इनफैक्ट 3D रेंडरिंग के लिए 3DS Max टाइप सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर हैंडब्रेक जैसे टेस्ट भी करे, हमने प्रीमियर प्रो पर भी इसको टेस्ट करा ये देखने के लिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है हमें कैसा रिजल्ट देता है। उसके रिजल्ट्स भी आपने देख ही लिए कि ठीक है, हैंडब्रेक जैसी एक सॉफ्टवेयर में एक 5 से 6 मिनट का टाइमलाइन निकालना इज एन एवरेज, जिसमें एक 8 मिनट की 4K वीडियो को हम रेंडर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जब हम उसको प्रीमियर प्रो पे कर रहे थे तो 10-11 मिनट के करीब का टाइम लगा। तो ठीक है, मतलब इस प्राइस रेंज में अगर आपको ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तो दैट इज जस्ट ऑप्टिमम, ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही घटिया। तो आई गेव इट अ शॉट, मैंने देखा कि यार देखते तो है एक्चुअली में कि बुरी चीजें जिसको बोला जा रहा है मार्केट में वो कितनी बुरी है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इतनी भी बुरी नहीं है गाइस। इसी बजट में बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, आप एक 1650 वाला पीसी बिल्ड कर सकते हो। आजकल 1650 4GB का जो ग्राफिक कार्ड है वो भी 17-18 हज़ार की रेंज पे आया हुआ है, तो अगर आपको वो इस रेंज पे मिल रहा है और आप कंपेयर करना चाह रहे हो तो स्टिल आई वुड से 1650 इज अ लिटिल बिट बेटर। हालांकि इसमें लेटेस्ट RDNA 2 फंक्शंस हैं, फिडेलिटी FX जैसे फंक्शंस आपको RX 6400 में देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक्चुअली में 1650 में नहीं है। और अगर बात करूं मैं प्रोसेसर की, जो Ryzen 3 4100 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में इतनी बात ही नहीं हुई है, इसको इतना टेस्ट ही नहीं किया गया है, मतलब मुझे तो इतनी कुछ खराबी नहीं लगी इस प्रोसेसर में। हालांकि प्राइसेस अभी भी इट इज जस्ट ऑन अ यू नो लिटिल बिट अपर साइड, बट अगर यही प्रोसेसर 8000 का मुझे मिल जाए तो 100% हिट है। जो अभी 10,000 का मिल रहा है वो अगर 8,000 की रेंज में आ जाए विद द कूलर, तो इससे बढ़िया प्रोसेसर एक्चुअली में नहीं हो सकता कोई भी। ये एक i3-10100F से तो बहुत बेटर है। तो AMD फैंस हैं जो AMD को एक्चुअली में प्यार करते हैं, वो इस सेटअप के साथ जरूर जा सकते हैं, फुली रिकमेंडेड है। हालांकि आई ट्राई टू बी एज यू नो अनबायस्ड एंड एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल, क्योंकि मैं इसको रियलिस्टिक कंडीशंस के अंदर टेस्ट करके एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस रिव्यू आपको देना चाहता था, वो मैंने दे दिया। आपकी बारी है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दिस इज रजत द्विवेदी साइनिंग ऑफ, आप लोग देख रहे थे जेट लैब टेक टिप्स, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।